आज मैं एक्चुअली मेरे बेटी को बिना बताए लेके आया, मतलब बेटी को बताया, उसकी मम्मी को नहीं पता, उसकी मम्मी सुनने नहीं है कोई दो वाक्य में उसके फ्रेंड को मिलने के लिए। ठीक है, उसके मम्मी के जाने के बाद मैंने उसको बोला मम्मी आज गायब हो रही है 12:30 बजे, आप अभी गायब होते थे, तो मतलब बेसिकली मेरे को ना वो एज अ एक्सपेरिमेंट ये बाइक ट्रिप इसके साथ करना था कि मैं बाइक ट्रिप करता हूँ एंड व्हाट आई फील आई वांटेड हर ऑल्सो टू फील, वो जो खुशी होती है ना अकेले जाने का, अकेले मतलब इस उम्र में तो अकेले जाएगी नहीं, वो जो खुशी होती है नया जमा करने का, रस्ते में प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का, प्रॉब्लम तो यार हर जगह अकेले उसका सलूशन निकालना, सोच कर वो सब मैं चाहता हूँ कि वो धीरे धीरे फील करना शुरू करें। अभी उसका एज अभी वो 6 साल का है, तो धीरे धीरे कैसा है अभी जैसे और 6-7 साल बाद लाइक उसका एलिजिबल एज आ जाएगा बाइक में के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसको फील करे। दूसरी बात ये है कि जितने भी मम्मी लोग हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि मम्मी इनको लोगों के साथ ज़्यादा सुरक्षित है बच्चे, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, इसकी मम्मी भी उनमें से एक है, इसकी मम्मी को लगता है कि मेरी बेटी मेरे साथ मतलब मैं ज़्यादा ठीक से ध्यान नहीं पा रख पाऊँगा ऐसा उसको लगता है। तो ये एक पॉइंट है जो मैं बहुत सारे मम्मी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग प्यार बनता जो कि सही है, हम लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा देखते हैं, बच्चे लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, वो उनको मतलब लिटरली कहते हैं ना कि फादर चीज एवरीथिंग आउटसाइड हो। ठीक है, तो एक बार भरोसा करो बच्चे को, छोड़ो अपने बच्चों के साथ, देखो दे विल एंजॉय, दे विल हैव अ गुड बॉन्डिंग। माँ बेटे, माँ बेटी के तो यार पब्लिक से लेकर तो गंदुवान तक सब कुछ माँ बेटी भी बनता है अपने आज में, तो माँ बेटी माँ बेटी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है यार, वो उसको पनपने दो। तो अगर घर में बैठा के रखोगे हमेशा बच्चों को बोलोगे अरे तेरे पप्पा के साथ जा रहा है, पप्पा के साथ मत जा, कुछ हो गया तो फिर ज़िंदगी भर वो बच्चा अपने बाप से बाप के साथ बाहर जाने को डरता ही रहेगा, जाने से अगर क्या होगा, छोटा मोटा गिर जाएंगे, लग जाएगा, छिल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होएगा यार। और कुछ बड़ा हुआ तो वो तो नसीब की बात है, आप सब कुछ नसीब में डालने दे रहा है, तो फिर एक पल छोड़ो अपने बच्चों को अपने खुशी के साथ अकेले, जैसे कि आज मैं लेके आया हूँ, ऐसा छोड़ दो तो केवल उनका उनका जो खुशी है ना फ्यूज रहेगा, मतलब वो डर जो रहता है बच्चों के मन में या जो मदर्स डालते हैं कि अपने पापा के साथ जाएगा तो खुश हो जाएगा, मेरे फादर्स लोग ध्यान नहीं रखेंगे ठीक से, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये ध्यान रखने वाला बच्चा खुद का ध्यान भी रख सकता है, रखना सीख जाता है इस मामले में, मतलब मम्मी हमेशा पूछेगी बेटा तुम्हें खाएगा, बेटा तुम खाएगा, बेटा तुम खाएगा, बाप नहीं पूछेगा, लेकिन इस वजह से बच्चा बोलना सीख जाएगा कि हाँ मेरे को भूख लगी है अभी खाना चाहिए, समझा। हर स्टॉप में मम्मी पूछेगी शिशु आई शिशु आई शिशु शिशु बाप के साथ बाप नहीं पूछेगा, लेकिन इस वजह से पप्पा बोलना सीखेगा कि हाँ पप्पा हमारे साइड में लगाओ या लगाओ शिशु करना है, तो इसके लिए मैं सारे रेस्पेक्टेड मदर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक बार छोड़ो अपने बच्चे को, अगर बच्चा एक बार गया ना उससे घर बैठ लो, अगर उसको नहीं जमता कि हाँ वो नहीं जमता, हर किसी को ऐसे वाइफ में इंटरेस्ट नहीं आते, हर बच्चा तो हर बच्चे को कभी कभी किसी को कार की याद रखती है, हाँ मैं लेट के जाऊँ छोटे जाऊँगी, तो हर बच्चा अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, एक बार छोड़ के भी देखो अपने बाप के साथ। आज मैं आया हूँ अपने इसके मदर के बगैर अच्छी लग जाए, ठीक है, मुझे यही बोलना है सारे माँ से कि आप लोग भी अच्छे होते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम लोग कोई घरना चीज़ और बड़े नहीं है, हमको भी मालूम है ऐसा
और एक बात, बच्चा अगर आप उसका दादा संभल के चलता है, चलता भी है चलाता भी है, कि उसको मालूम रहता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे साथ है, समझे। यही बोलकर ये वाला वीडियो यहाँ पर कट करता हूँ, ठीक है, अभी मिलते चलो।